नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कैस्टर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कैस्टर में हमने वीकली चार्ट लिया है और वीकली चार्ट पे पहले भी हमने अपडेट किया था, बट अब हमको कुछ नई चीजें दिख रही है जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमने मार्क किया था जुलाई के अंदर, जहां पे हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। यहाँ पे हमने एक डबल बॉटम मार्केट में बनते हुए देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका कलर कोड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो डेट आपको यहाँ पे क्लियरिटी दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने देखा एक डबल बॉटम बना, लेकिन नेकलाइन को ब्रेक कर दिया था। नेकलाइन जो हमारी बनी थी, ये नेकलाइन भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे थे कि बार बार में प्राइजेस इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो ये हमने एक तरह की नेकलाइन हमने ड्रॉ कर दी कि प्राइजेस इसके बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है। एक सेकेंड, यस, तो ये नेकलाइन इंपॉर्टेंट हो गई थी और बार बार में हमने देखा भी कि प्राइजेस लगभग ये नेकलाइन के करीब जाता था, जो 6140-50 था, बट सस्टेन नहीं कर पाता था। लेकिन जुलाई मंथ में हमने देखा ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, और नेकलाइन का ब्रेकआउट से पहले हमने देखा यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन गया था। और ये राउंडिंग बॉटम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह का डबल बॉटम फॉर्मेशन हमने चार्ट पे देख रहे हैं। जब भी ऐसा डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता है तो जनरली हम देखते हैं मार्केट में एक बड़ी तेजी बनती है। तो हुआ भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा बढ़ा, क्योंकि ज्यादा करके एग्री कमोडिटीज में हमने इतने दिनों में देखा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा था, ये इंपॉर्टेंट था। जुलाई से ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक बड़ा जंप आएगा, तो उसके हिसाब से मार्केट एक दायरे में ट्रेड करने लग गया था। और जैसे ये दायरा ब्रेक हुआ, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रिकवरी बनना चालू हो चुकी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल ब्रेकआउट मार्केट में बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार में प्राइजेस 6200 का लेवल तोड़ता था बट सस्टेन नहीं कर पाता था। नो डाउट इसमें कोशिश की गई थी अगस्त में कि करीबन हमने 6340 का लेवल देखा, फिर से मार्केट में गिरावट आई थी वॉल्यूम की कमी की वजह से, बट अब फिर से मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया है और तोड़ने की वजह से एक तेजी बन रही। अब इमीडिएट हर्डल तो 3860 का है, बट ये लेवल जैसे ब्रिज होता है तो आप मान के चलो एक बड़ा तेजी का रूप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा हर्डल पॉइंट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रिज करता है हम देखते हैं कि स्काई इज ओपन फॉर एटलीस्ट 6600 ऑन हायर साइड। इचिमिको क्लाउड्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर है। इचिमिको क्लाउड ग्रीन कलर में है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। फिबो का भी जो लेवल है वो अच्छे से रेस्पेक्ट करके चल रहा है प्राइजेस, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन। अगर यही चीज इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप आरएसआई को देखिए, आरएसआई अब पॉजिटिव मूव करके 66 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो मार्केट में वोलेटिलिटी गेन होते हुए दिखाई दे रही है। मैकडी पॉजिटिव है, जीरो लाइन के ऊपर है, जो बताता है कि मार्केट में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जब तक प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब 6150 के ऊपर होल्ड है, हम 6380 का लेवल तोड़ते ही करीबन 6600 की तरफ जाते हुए दिखाई। अब इसी चीज को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट को मैं रीसेट करता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे हमने डबल बॉटम बनते हुए देखा प्राइजेस के अंदर। और इचिमिको क्लाउड अब एक्सपांशन मोड पे है। देखिए, इचिमिको क्लाउड यहाँ पे फ्लैट था इसलिए मार्केट चल नहीं रहा था, बट अब ये एक्सपांशन मोड पे आ चुका है। तो इचिमिको क्लाउड एक्सपांशन मोड पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है प्राइजेस। इमीडिएट टारगेट 6380 है, वो ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, ये दर्शाता था कि मार्केट कंसोलिडेशन में था। तो इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हम यहाँ से अपन देख ही रहे थे। अब यहाँ से आप देखिए कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आ भी गया है। 6380 का लेवल टूटने पे 6600 का लेवल तो बेयर मिनिमम मिलेगा। टेक्निकल चार्ट पे देखिए तो RSI अब ये 70 पे पहुंच चुकी है, इसका मतलब है पॉजिटिव जोन में आ चुकी है, वोलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है। और MACD भी जीरो लाइन से जब पॉजिटिव बनना चालू होता है तो लंबी तेजी आती है। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा जीरो लाइन के ऊपर से जब पॉजिटिविटी बनी, तभी हमने देखा था कि 5700 से मार्केट में रैली आई, जो 6200-6250 तक का लेवल दिखा दिया था। तो सिमिलरली मार्केट के अंदर अब तेजी का रुख है कैस्टर के अंदर, चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए। करंट लेवल से लेके चलना चाहिए, जो 6330 का भाव है अक्टूबर वाइदा, 6150 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के चलिए ऊपर में। मुझे लगता है जैसे 6400 के ऊपर प्राइस निकला तो 6600 का तो बेयर मिनिमम अपसाइड हम कैस्टर में देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।